लोगों में कुछ लोग ना एक्सट्रीमली शकी किस्म के होते हैं, मतलब उनको खांसी भी आ जाए तो भाई मुझे हो ही गया। तो सोचें अगर इस ईद पे इस तरह के लोग ईद की नमाज पढ़ने हैं। What the fuck? और अगर ईद पढ़ाने वाले इमाम साहब ही शकी निकले, मौलाना साहब भाइयो, ईद के दिन गले मिलना आराम है, स्पेशली मेरे साथ, और जो कोई इस तरह करता हुआ नजर आए, सलाम करता हुआ या गले मिलता हुआ, वो शैतान का भाई है और उसको उसी जगह पे कत्ल कर दो। और कुछ लोगों को तो सफों में खड़े होके पांव से पांव मिलाने की इतनी आदत होती है, इतनी आदत होती है। अल्लाह हू अकबर। के पांव कितने गंदे हैं, कहीं से वो वाली बीमारी है। तू जलाल, तू आई ब्लॉक डाल, तू इस करोनी से मुझे बचा। तू जलाल, तू आई ब्लॉक डाल, तू इस करोनी से मुझे बचा। तू शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खबर है कि इमरान खान ने कहा है कि ईदगाह में नमाज के दौरान नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाएगा, मगर इससे भी बड़ी खबर आपको देते चलें कि ये फासला किसी भी मेजरिंग टेप से मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेजरिंग टेप के छूने से फैलती है करीना। तो इसके लिए हर नमाजी को अपने साथ एक 6 फुट का बंदा लेके जाना पड़ेगा जो 2 नमाजियों के दरमियान लेट के ये फासला मेजर कर सकेगा। कैमरामैन अमार मलिक के साथ मलिक अमार, यूटी न्यूज, KTS। 6 फुट का फासला कैसे मेजर करें, हमारे पास तो मेजरिंग टेप भी नहीं है। फासला 6 फुट का मौलवी, 3 फुट का मौलवी पकड़ के 2 दफा डालते हैं। उधर हो जाओ जी, 3 फुट, 6 फुट, दूसरा बंदा आ जाए, 3 फुट, 6 फुट। और फिर आपको इस ईद पे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी गले मिले बगैर तो ईद पूरी ही नहीं होती, उनसे कैसे बचे। अस्सलाम वालेकुम वाली साहब, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और अगर आप किसी के घर ईद मिल लेंगे और उसके गंदे गंदे हाथों में आपको करीना देखेंगे, आप तो गए बेटा काम से। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।
या खुदा इसके हाथ कितने गंदे हैं, तो मर के भी इसके हाथों से कुछ ना लेते। ये तो चलती फिरती करी नहीं। शर्माए नहीं, अपने ही बारे। ओ भाई नहीं, रहने दें जी। वो मैं जब भी छोले खाता हूँ ना जी, तो फिर वो कुछ बम धमाके वाला साफ हो जाता है, मुझे गैस हो जाता है। नहीं, हमारे छोलों से बिल्कुल कुछ नहीं होता। ओ नहीं जी, नहीं। Run. इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। मिलते मिलाते रहिए, ईद की खुशियाँ बांटते रहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।